दोस्तों पंजाब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कदों होगा तो इसका सिलेबस की रहेगा तो सिलेबस कदों इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट उपर आएगा इस बारे गल करेंगे। जो वीडियो बेनीफिशियल लगे तो वीडियो में लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो एंड साडा वट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिता है उत्थे जाके वट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑलरेडी आप जीके की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, टोटल 13 क्लासेस प्रोवाइड करवा दी है। जो एग्जाम की तैयारी परफेक्ट करना चाहते हो तो उन्होंने क्लासेस में जरूर विजिट कर लो। सब तो पहला मैं तुम्हें इन्हों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा दिना कि इन्हों का सिलेक्शन प्रोसैस की होगा। सिंपल जी गल है, इतने इन्होंने मैनशन किया हुआ लिखती पेपर होगा, मतलब तीन पड़ाव जिहड़ा इसका सिलेक्शन प्रोसैस कंप्लीट होगा। सब तो पहला लिखती पेपर होगा, लिखती पेपर मतलब दोस्तों यही नहीं अपने तो भी पैराग्राफ वगैरह लिखाए जाएंगे, लिखती पेपर मतलब कि OMR शीट पर यह एग्जाम होगा। जे तो नहीं पता OMR शीट पर एग्जाम किमें होंगे तो चैनल यूट्यूब पर जाके सर्च मारो मनु मोड़ OMR शीट एग्जाम लिख के सर्च करूँगा तो ईजली तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी, उस देख लो पूरा प्रोसैस तुम्हें समझ से आ जाएगा कि OMR से एग्जाम किमें देना होंगे। ठीक है, जोड़े बच्चे यह क्वालीफाई कर लेंगे उन्होंने फिजिकल मेजूरमेंट टैसट वास्ते बुलाया जाएगा, मतलब कि उन्होंने फिजिकल मेजूरमेंट जी हाइट है चैसट है वगैरह वह मेजूर की जाएगी। ठीक है, उस तो बाद होगा फिजिकल एफिशेंसी टैसट होगा, जी वॉक है इस उन्होंने करवाई जाएगी। हुण एक गल ये नोट कर लो, इतने इन्होंने लिखा हुआ काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सिर्फ 40 नंबर लेने हैं तो साडा सिलेक्शन हो जाएगा, इतने इन्होंने की लिखा हुआ घट्टो घट 40% नंबर लेने जरूरी ने। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ तुम 40% नंबर ले लोगे तो सिलेक्शन पक्की हो जाएगी, इसका मतलब यह है जिहड़े भी बच्चे लिखती पेपर 40% नंबर लैणगे उन्होंने मैरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हुण अगे की मैरिट लिस्ट किन्नी मैरिट बनती है थोड़ी उस पर डिपेंड करता है, फिर थोड़ा जो एग्जाम यह क्वालीफाई मना जाएगा। क्योंकि दोस्तों कई बच्चों का यह डाउट से कि सिर्फ 40 नंबर लेने तो साडा सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह की कोई गल नहीं है। तो हुण गल कर लेनी आपां सिलेबस की, दोस्तों सिलेबस नैक्सट वीक है जिहड़ा उस वीक के अंदर अंदर सिलेबस इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट उपर मिल जाएगा तो उस दे रिगार्डिंग भी मैं तुहानूं प्रोपर वीडियो प्रोवाइड करवा देंगा। इस तों इलावा सिलेबस की होने वाला की हो सकता, देखो पंजाब जीके तो हर एग्जाम च आउणे, पंजाब का कोई भी तुसीं पेपर दोगे उस विच पंजाब जीके दे रिगार्डिंग क्वेश्चन पक्का बनते हैं तो पूछे जाते हैं, तो यह मैंडेटरी भी है। ठीक है, इस तों इलावा मैथमैटिक आएगी, रीजनिंग आएगी, इस तों इलावा कंप्यूटर भी आ सकता, 10-15 नंबर का कंप्यूटर रिलेटिड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तों इलावा इंग्लिश ते अपनी पंजाबी लैंग्वेज, यह सिलेबस होने वाला नॉर्मल जी सिलेबस है, ज़्यादा टफ नहीं होगा। मैथ का की है, मैथ बारे कई बच्चे औखा ने यह समझते मैथ औखा, 10वीं लेवल का मैथ होगा, 10वीं क्लास का जो मैथ आप पढ़िया उस लैवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो करके कोई भी परफेक्ट बुक इस वास्ते खरीदने की जरूरत नहीं है। वैसे तो क्लासेस भी तुम्हें मिल जाएंगे जो सिलेबस आ गया। इस तो इलावा तुम 10वीं का मैथ भी जे हले स्टार्ट करो तैयारी करना, 10वीं के मैथ में भी चंगी तरह कवरअप कर लो तो भी बहुत हेल्प मिल जाएगी तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना। बाकी पंजाब जीके वगैरह की इसकी क्लासेस की फिक्र ना करो, ऑलरेडी मैं चैनल की स्टार्ट कर दी है तो करंट अफेयर की भी क्लासेस अजकल तो मैं स्टार्ट कर दी है, बाकी क्लासेस भी तुम्हें सिलेबस देखने तो बाद मैं प्रोवाइड करवा देंगे।